नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस प्रेस वार्ता में आए हैं। अभी चंद मिनटों पहले हमने सिद्धू जी के कुछ बयान को सुना है। बुरा मत मानिएगा, मैं सिद्धू जी के लिए इतना कहूंगा कि रोज अनर्गल बोलने वाले सिद्धू जी, जब श्याम पित्रोदा का हुआ तो हुआ कमेंट आया, उस समय चुप रहे। उस समय उन्होंने श्याम पित्रोदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। सिखों के हक में और 84 के नरसंहार के खिलाफ एक शब्द सिद्धू जी के जुबान से नहीं निकला। वही सिद्धू आज कमलनाथ जी के गोद में बैठ के मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वही कमलनाथ जिन्होंने दिल्ली में 3000 सिखों के नरसंहार को अंजाम दिया था, एक अभियुक्त हैं, उन्हीं के साथ बैठकर जिस प्रकार आज बदजुबानी समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए सिद्धू जी ने किया है, उस शब्द का प्रयोग करने में मुझे लज्जा आती है। सिद्धू ने नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है कि हम सब काले अंग्रेज हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, मोदी जी काले अंग्रेज हैं और सोनिया जी हिंदुस्तानी है, ये कहां का न्याय है? मोदी जी काले अंग्रेज हैं? मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, गरीबों के रखवाले हैं। और मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, तेरे 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 चाहने वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं। मोदी मोदी को हिंदुस्तान प्यार करता है और हिंदुस्तान को मोदी प्यार करता है, इसलिए आप मोदी जी को काला अंग्रेज कहके, यह अपमान केवल मोदी जी का नहीं है, यह अपमान समस्त हिंदुस्तान का है। और सिद्धू जी, एक बात कान खोल के आज सुन लीजिए, आपने मोदी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है। मैं आपसे कहूंगा, अपने इटालियन रंग पे ना इतना गुमान कर सिद्धू जी, और कांग्रेस पार्टी अपने इटालियन रंग पे ना इतना गुमान कर, 23 तारीख को ये इटालियन रंग भी उतर जाएगा। नतीजे का इंतजार कर, 23 तारीख को ये इटालियन रंग भी उतर जाएगा। केवल एक परिवार इस देश में ठीक है और बाकी हम सब काले अंग्रेज हैं। ये जो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, आज सिद्धू जी के जुबान से, वो सिद्धू जी जो राहुल गांधी को अपना कप्तान मानते हैं और राहुल गांधी जी के आदेश पर ही अपने वक्तव्यों को रखते हैं, उन सिद्धू जी के जुबान से आज जो शब्द निकले हैं कि हिंदुस्तानी काले अंग्रेज है, यह चाटुकारिता की, परिवारवाद की पराकाष्ठा है कि एक परिवार ठीक है क्योंकि वो यूरोप से आई है और बाकी हम सब काले अंग्रेज हैं। इनको पसंद है किसका रंग, एंडरसन का रंग सही है, वो हम काले अंग्रेज हैं, एंडरसन सही है, क्वात्रोची का रंग सही है, बाकी हम और आप तो काले अंग्रेज हैं। ये क्वात्रोची मामा सही, क्रिस्टियल मिशेल का रंग सही, एंडरसन का रंग सही, और मोदी जी काले अंग्रेज हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो सिद्धू जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी नई दुल्हन की तरह है, रोटी बेलने बैठते हैं तो खाली चूड़ी बजाते हैं, रोटी बनाते नहीं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक ही वाक्य में सिद्धू जी ने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाया है कि रेसिस्ट भी है कांग्रेस पार्टी और सेक्सिस्ट भी है कांग्रेस पार्टी। महिलाएं केवल रोटी बनाने के लिए होती है, नई दुल्हन केवल रोटी बनाने के लिए होती है और वो चूड़ी खनकाने के लिए होती है। क्यों? महिलाएं जाके काम नहीं कर सकती, महिलाएं जाके नौकरी नहीं करती हैं क्या? सिद्धू जी और राहुल जी, ये न्यू इंडिया है, ये नव भारत है, इसमें चूड़ी खनका के महिलाएं केवल रोटी नहीं बनाती है, महिलाएं हिंदुस्तान को गढ़ती है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाती है। इसलिए ये जो छोटी सोच है आपकी कि चूड़ी बना के महिलाएं रोटी सेकती हैं, इससे आपको निजात पाना होगा। और आप याद करिए, ये राहुल जी की भी सोच है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब मिशेल ओबामा, ओबामा जी की धर्मपत्नी जो उस समय अमेरिका की फर्स्ट लेडी थी, वो जब व्हाइट हाउस में आएंगी और रोटी बनाने अपने किचन में चली जाएंगी, तो वो देखेगी ओह मेड इन लखनऊ पतीला, आपको याद होगा।
मिशेल ओबामा को भी उन्होंने सिर्फ देखा कहां किचन में रोटी बनाते हुए, ठीक उसी को फॉलो करते हुए। आज सिद्धू जी ने कहा कि भारत की महिलाएं केवल रोटी बनाने के लिए है और चूड़ी खनकाने के लिए है, ये एक सेक्सिस्ट कमेंट है। ना सिखों के प्रति सम्मान, ना भारतीयों के प्रति सम्मान, ना महिलाओं के प्रति सम्मान, यह कांग्रेस पार्टी की असलियत है। बंधु, ये एक विषय था। दूसरा एक छोटा सा विषय है, जब भारत का टाइम बदलता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, वो कुछ आर्टिकल इत्यादि छापते हैं। याद करिए 2014 में भी कुछ ऐसे पत्र पत्रिकाएं विदेश की थी जो मोदी जी के खिलाफ खूब छाप रहे थे, और आज पुनः आज इसी प्रकार का एक आर्टिकल हमने टाइम मैगजीन में देखा है। बंधुओं, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक है एक पाकिस्तानी नागरिक। एक पाकिस्तानी नागरिक मोदी जी को डिवाइडर कहता है और राहुल गांधी उसको ट्वीट करते हैं, और पाकिस्तान से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिस प्रकार दो दो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर किया, जिस प्रकार बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा है कि किसी भी कीमत पर मोदी जी के छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलिन किया जाए, क्योंकि भारत की सेना और मोदी जी की दृढ़ निश्चय को तो पाकिस्तान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल वार्टिकल लिख के पाकिस्तानी लेखक जो है वो मोदी जी के नाम को मलिन करने का प्रयास कर रहे हैं, छद्म प्रयास कर रहे हैं, और उसमें राहुल जी उसको ट्वीट कर रहे हैं। डिवाइडर है या यूनिफायर है? जीएसटी क्या है? अगर 17 टैक्सेस को यूनिफाई कोई करता है, वह काम जीएसटी ने किया है और जीएसटी को मोदी जी लेके आए। अगर सारे युवाओं को नौकरी देने के लिए, स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना किसी ने बनाया तो उनका नाम मोदी है। और अगर महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम किसी ने किया जो पहले धुआं के कारण परेशान रहती थी, उनका नाम उज्ज्वला के माध्यम से मोदी जी ने आगे किया। आयुष्मान भारत लाके अगर पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोगों को 5-5 लाख, 10 करोड़ लोगों को 5-5 लाख देने की किसी ने बात कही तो वो यूनिफायर मोदी जी हैं। 44 गरीबों को प्रत्येक मिनट गरीबी रेखा से ऊपर लाने का किसी ने काम किया है तो खुद अमेरिकन रिसर्च कहती है कि उनका नाम नरेंद्र मोदी है। मैगजीन छापने से पहले अपने ही देश के रिसर्च को तो पढ़ लेते। मैं इतना कहूंगा बंधुओं, 10 वर्ष भारत में टाइम खराब चल रहा था यूपीए के समय भ्रष्टाचार के कारण, और आज जिस प्रकार से द ग्रेट गेम चेंजर ऑफ इंडिया, द रिफॉर्मिंग परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले यूनिफायर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत टाइम बदला है भारत का, और आज भारत एक नई बुलंदी को हासिल करते हुए न्यू इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, मैंने पढ़ा नहीं है मैडम आजमी जी ने क्या कहा है, मैं अवश्य पढ़ूंगा, मगर मुझे याद है 2014 में भी ऐसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी जी पीएम बनेंगे तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। देश को अगर छोड़ के किसी को जाना है तो उसका नाम गरीबी है, देश को अगर किसी को छोड़ के जाना है तो उसका नाम भुखमरी है, उसका नाम बेरोजगारी है। इन सब को हमें देश से बाहर भेजना है। हम व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ना तो राजनीति करते हैं ना उसे आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। या मैम, अच्छा, प्रियंका जी ने कहा है कि देर से जो वो महासचिव बनी कांग्रेस की वो गलती हो गई है। गलती हो गई है, स्वाभाविक है, गलती तो हो गई है, क्योंकि वो जान गई है कि 23 तारीख को क्या होने वाला है, इसलिए अभी से वो अपने आप को बचाने की प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर पूरी गठरी फेंकने की कोशिश कर रही है कि मैं तो देर से आई इसलिए मेरे से कुछ हुआ नहीं। बहुत समय से मेरे भाई राहुल जी संभाल रहे थे, ये जो हार 23 तारीख को होने वाली है उसके जिम्मेदार राहुल जी है। कुल मिला के आप अगर बिटवीन द सेंटेंसेज और बिटवीन द लाइन पढ़ेंगी तो इसका अर्थ यही निकलेगा। धन्यवाद।